रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल कुक विद एसएस। आज हम बनाएंगे इडली डोसा का बैटर। आज हम एक परफेक्ट बैटर बनाएंगे जिससे आप इडली और डोसा बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेम बैटर को यूज करके हम कैसे इडली और डोसा बना सकते हैं तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में लेंगे उड़द की दाल। मैंने ये कप मेजरमेंट के लिए यूज किया है। एक चम्मच मेथी दाना, एक चौथाई कप पोहा। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे भिगा देंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक और बोल हम लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 3 कप चावल। सेम कप से मैंने मेजरमेंट ली है, आप कप का मेजरमेंट सेम रखें। अब इसमें भी हम पानी डालकर इसे भी भिगा लेंगे। अब दोनों चीजों को हम 4 घंटे के लिए भिगा कर रखेंगे। 4 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये दाल अच्छे से फूल गई है और हम इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम चावल। हम एक साथ सारे चावल नहीं ऐड करेंगे, हम आधा आधा करके इसे पीसेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर आधे चावल लिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। बीच बीच में आप इसे चेक करें और आपको अगर लगता है तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें हम इस पेस्ट को डाल लेंगे। अब बचे हुए चावल को भी हम पीस लेंगे। चावल मैंने पीस लिए हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सेम जार में हम दाल को भी अच्छे से पीस कर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करेंगे और अगर हमें लगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब पेस्ट बिल्कुल रेडी है, इसे भी हम सेम बर्तन में डाल लेंगे। अब जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से चला लेंगे जिससे बचा हुआ पेस्ट हम यूज कर सके। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब सारे बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसे ढककर आप किचन में रख दीजिए 10 से 12 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो सके। बारह घंटे बाद आप देखेंगे कि आटा बहुत अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इडली बनाने के लिए हमें थोड़ा गाढ़ा आटा ही चाहिए होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करते हैं। लेकिन अगर हमें डोसा बनाना है तो एज कम्पेयर टू इडली हमें वो थोड़ा पतला चाहिए होता है, ज्यादा पतला भी नहीं पर मीडियम। उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। यूज करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा परफेक्ट आटा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।